ओम शांति। तो आप सभी ने जैसे सुना, दीदी एक बहुत बड़ी हस्ती थी, बहुत बड़ा व्यक्तित्व था यज्ञ के अंदर, और बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं दीदी ने दी है। तो हम बार बार मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स को तो याद करते हैं, परंतु मनमोहिनी दीदी जो थी, जिसको बड़ी दीदी कहते थे, हम लोगों की तो बहुत पालना दीदी ने की है। जैसे भट्टी कराते थे तो दीदी सामने बैठ करके घंटा दो घंटा योग कराती थी, तो दीदी स्वयं भी साक्षात्कार मूर्त बन जाती थी और बहुत सुंदर फरिश्ते का अनुभव सबको कराती थी। दीदी की कुछ विशेषता थी, और एक ये थी कि दीदी सभी को सखी बना देती थी। जो भी आता था उनको बोलती थी कि तुम मेरी सखी हो, तो अपनापन महसूस कराना वो दीदी की विशेषता थी। दीदी के साथ हमारा बहुत नज़दीक का संबंध रहा, बहुत नज़दीक का अनुभव रहा। मुझे याद है कि एक बार दीदी हमारा क्लास करा रही थी। क्लास में कितने होते थे हम, 10-12 कुमारियाँ, तो उनके रूम में ही क्लास होती थी। तो दीदी क्लास कराती थी, बहुत गंभीर विषय पर क्लास कराती थी। तो दीदी ने पूछा कि आप सभी को कभी ईर्ष्या आती है? तो मैंने बहुत सीरियसली कहा कि हाँ आती है। तो उसने पूछा किसकी आती है? तो मैंने कहा आपकी आती है। बोला मुट्ठी मेरी तुमको ईर्ष्या आती है? क्यों आती है? क्योंकि दीदी बाबा की बहुत बहुत नज़दीक थी। दीदी के विशेष गीत होते थे, जो वो गीत आता है कि दुनिया की दीवारें सैया छोड़ के मैं आई रे, ये दीदी का प्रिय गीत था और बजवाती थी, योग में भी योग भी कराती थी। उस समय बाबा के, जैसे अभी सुना आपने कि मम्मा के अव्यक्त होने के बाद बाबा के साथ साथ पूरा कारोबार देखने के लिए निमित्त बनी। बहुत शार्प बुद्धि, एकदम शार्प बुद्धि दीदी के कारण ही पूरे मधुबन को, जैसे कि ग्लास की महिमा दी जाती थी कि कोई कहाँ भी होगा, क्या भी बात करता होगा, पर दीदी को पता चल जाएगा। तो कोई किसी कोने में कोई किसी की निंदा की कोई बात कर नहीं सकता था। 1983 में ही, शुरू में अप्रैल मास में, लगभग मार्च अप्रैल में मेरा मनीला जाना फिक्स हुआ, तो दीदी को ही बहुत खुशी थी। इतनी खुशी थी कि बात मत पूछो। बोला निरंजना को ये चाहिए होगा, वहाँ शायद सर्दी होगी तो उसको गर्मी में गरम बनियन वगैरह देना पड़ेगा, तो पूरी बड़ी बैग जो होती है विदेश ले जाने की, वो बैग भी मुझे वहाँ मधुबन से ही दिया। बोला यहाँ से ही उनको हम तैयार करके भेजेंगे। तो पूरा गर्म कपड़ा ये वो सब बैग भर के दीदी ने खुद ने तैयार किया।
और उसी समय फिर जितने दिन हम रहे तो भोजन भी दीदी ने कहा कि तुम हमारे साथ ही भोजन करेगी। इतना इम्पोर्टेंस था उस समय विदेश का, क्योंकि विदेश जाने में बहुत कम लोग विदेश गए हुए थे और मनीला में नया सेंटर खोलने के लिए ही जाना हुआ था। तो दीदी जैसे एकदम नज़दीक से केयर करने वाली थी हमेशा। दीदी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनके आगे कोई भी झूठ नहीं बोल सकेगा, सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए कभी कभी दीदी सबको स्ट्रिक्ट लगती थी, परंतु एक तरफ उनकी उनका व्यक्तित्व ऐसा स्ट्रांग था, स्ट्रिक्ट था, और दूसरी तरफ बहुत प्यार भरा भी था। तो दीदी ने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के एक एक व्यक्ति का बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया। सबको यही लगता था कि दीदी मेरी है, मेरी बहुत संभाल करती है। वैसे देखा जाए तो उस समय बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी और दादी दोनों ने यज्ञ को बहुत अच्छी तरह संभाला। नियमित एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दो विभाग किए हुए थे, एक उत्तर गुजरात एक दक्षिण गुजरात। उत्तर गुजरात बड़ी दीदी देखती थी, दक्षिण गुजरात सॉरी दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत बड़ी दीदी देखती थी, दक्षिण भारत दादी देखती थी। तो विशेष करके कनेक्शन दादी से होगा, दक्षिण भारत हमारा गुजरात दक्षिण भारत में आता है, तो उसके उससे साथ होता था। और नॉर्थ वाले जो उत्तर भारत वाले होते थे वो सब अपनी बातें बड़ी दीदी को बताएंगे। पर हम लोग बड़ी दीदी के साथ भी इतना संपर्क में थे कि जो भी होता था वो दीदी को बताते। तो इसीलिए दीदी ने एक ऐसी हस्ती हो गई, और उस समय तो दीदी और दादी एक समान जैसे थे और इतना नज़दीक थे कि लोग ऐसा बोलते थे कि ये शरीर दो है, आत्मा दोनों की एक है। मिल करके दोनों ने मिल करके एक मत हो करके यज्ञ को चलाया और यज्ञ का विस्तार किया। इतना विस्तार किया कि बात मत पूछो। तो आज दीदी का दिन है। दीदी ने अंत तक बाबा की याद में, जैसे कहते हैं कि कोई दुख की फीलिंग के बजाय दीदी ने बाबा की याद में शरीर छोड़ा। बॉम्बे से लेकर के जब आई तो दीदी बाबा कहते थे कि दीदी को तो हमने सूक्ष्म वतन में ही बुला लिया था। और दीदी का विशेष स्लोगन था, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो हम तो उस समय जब दीदी ने शरीर छोड़ा 93 जुलाई में, तो हम उस समय मनीला में थी। बहुत मैंने प्रयत्न किया था कि मुझे भी इंडिया आना ही है, पर बोला इतना कम समय हुआ है, अभी आप इंडिया में कैसे जा सकती है। तो वहाँ ही दीदी को याद करके, बाबा को याद करके योग लगाया था, भोग लगाया था। तो ऐसी थी दीदी हमारी, जो हमारे यज्ञ के इतिहास में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हो गया। जैसे आप सबको सुनाया कि दीदी एक बहुत बड़े शाहूकार परिवार की थी। आप सबको शायद पता होगा कि दीदी को बाबा क्वीन कहता था, और दीदी की मदर को क्वीन मदर कहता था। शीलेंद्रा दादी
जो बॉम्बे गामदेवी की इंचार्ज रही लंबे समय के लिए, तो वो उसकी बहन थी। उसका भी व्यक्तित्व देखो तो एकदम राजा जैसा। वो गट्स थे उसके अंदर, वो व्यक्तित्व था उन लोगों के अंदर। जैसे दीदी की मदर थी, क्वीन मदर, उनके अंदर भी वो व्यक्तित्व था। जैसे एक जैसा व्यक्तित्व, रॉयल फैमिली जिसको कहते हैं, रॉयल फैमिली का व्यक्तित्व था। उसका स्लोगन था, क्वीन मदर का स्लोगन था, जुक जुक मर मर। कोई भी कहे जाएगा उनके पास तो एक ही बात सुनाएगी, जुक जुक मर मर, जुक करके मर करके चलना है तो तुम जीत जाएगी जिंदगी के अंदर। आज भी उनके परिवार में सोने के बर्तन में भोजन किया जाता है। इतना कलयुग अंत में भी शाहूकार थी, इसलिए बाबा उसको क्वीन कहता था। तो ऐसी हस्ती जिसने इतिहास बना लिया हमारे यज्ञ में, यज्ञ को एक बहुत महत्वपूर्ण समय पर संजो करके आगे बढ़ाया, तो आज हम सभी बड़ी दीदी को याद करके उनके जैसा व्यक्तित्व अपना बनाए। जैसे कहा कि वो पवित्रता की मैसेंजर थी, पवित्रता के लिए बहुत स्ट्रांगली उन्होंने अपने अंदर में धारणा किया हुआ था, तो दूसरों को भी उतना ही स्ट्रांगली वो मैसेज वाइब्रेशन दे सकती थी। तो आज हम सभी भी दीदी की बहुत अच्छी याद के अंदर उन्होंने जो कहा, जो शिक्षा दी, उस अनुसार अपनी धारणा करेंगे और संगम योग के अंदर बहुत अच्छा व्यक्तित्व बना करके, बाबा जो कहते हैं उस लेवल पर पहुंच करके अपने जीवन को सफल करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। शोर नहीं, कोई शोर
मन में।